हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपसे मैं बात करने वाला हूं एबीएस के बारे में। एबीएस का थोड़ा सा मैंने वायरिंग बनाया है, कुछ फाइल रिकॉर्ड है जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ था, इसमें अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैं इस वीडियो के बाद तुरंत अपलोड करूंगा उसे। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने इग्निशन को ऑन करते हैं तो 2-4 सेकंड के बाद जो है उस लाइट को चले जाना चाहिए, लेकिन वो जो है कंटिन्यू बिलिंग कर रहा है, कंटिन्यू शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो उसमें कंटिन्यू शो करने का मतलब है कि मतलब उसका एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज मैंने उसे डायग्नोस किया और उसमें जो है ये सारे फॉल्ट आ रहे थे उसमें। तो बस आज इसी फॉल्ट के ऊपर जो है इसी कोड के फॉल्ट कोड के ऊपर जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं उस गाड़ी को। जब मैंने जो है डायग्नोस किया, स्कैन किया, तो उसमें ये फॉल्ट आ रहा था, ये वाला C10C105D और दूसरा आ रहा था C105F। तो फ्रेंड्स, आज ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है कुछ कोड डाले, 4 कोड डाले हैं। DTC कोड 1, 2, 3, 4 कोड ये है C105C, C105D, C105E, C105F। तो फ्रेंड्स, ये जो कोड है इसका फॉल्ट जो है एक ही होता है, इसका फॉल्ट जो है, इसका प्रॉब्लम जो है एक ही होता है, लेकिन इसमें लास्ट में C D E F चेंज है। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, सिर्फ जो व्हील गाड़ी में जो 4 व्हील होते हैं तो बस वही जो है उसके चक्के जो है व्हील जो है चेंज है, मतलब अलग अलग उसका है। जैसा की C10 5C ये फ्रंट राइट व्हील का है, ठीक है, C10 5D फ्रंट लेफ्ट व्हील का है, C10 5E रियर राइट व्हील का सेंसर का फॉल्ट है, ठीक है, C10 5F ये रियर लेफ्ट साइड का जो है फॉल्ट सेंसर का फॉल्ट कोड है। तो फ्रेंड, इसका जो है फॉल्ट, इसका फॉल्ट का प्रॉब्लम जो है, इस कोड का प्रॉब्लम एक ही होता है, लेकिन जो है चक्का का जो है साइड चेंज होता है, फ्रंट का है कि लेफ्ट का है कि राइट का है, कौन सा है, रियर है या फ्रंट है। तो इस कोड का मतलब क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, यहाँ मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ व्हील स्पीड सेंसर ओमिक ओपन फेलियर। ठीक है, इसका मतलब फ्रेंड्स, स्पीड सेंसर मतलब इसका वायर जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें इसके वायरिंग में कोई ना कोई फॉल्ट है, या फिर इसका सेंसर जो है फेल है, काम नहीं कर रहा है, वर्किंग जो है नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसको जो है इसके जो इश्यू को, इस एबीएस के इश्यू को जो है सिग्नल नहीं दे पा रहा है, इसलिए जो इस तरह फॉल्ट आ रहा है। अगर जो आप डायग्नोस करते हैं और इन चारों में से अगर जो कोई भी फॉल्ट कोड आता है तो किस तरह आप उसे जो है डायग्नोस चेक करेंगे और किस तरह जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो थोड़ा सा मैंने जो है शॉर्टकट में मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया है। मान लीजिए कि ये हमारा जो एबीएस का ECU है, सिस्टम है ESU, ठीक है, और ये दोनों वायर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे मान लीजिए ये सेंसर है, ये सेंसर मैंने यहाँ पे लिखा भी है FL फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील स्पीड सेंसर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, ये WOSS मैंने बनाया है, इसका फुल फॉर्म, इसका मतलब ये होता है व्हील स्पीड सेंसर। ठीक है, तो ये फ्रंट लेफ्ट साइड का है और ये फ्रंट राइट WSS है, और ये रियर लेफ्ट WSS, अब रियर राइट व्हील स्पीड सेंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फ्रेंड्स, मान लिया कि आपके पास कोई ऐसी गाड़ी आती है, या फिर स्कॉर्पियो के लिए तो ये खास है, महिंद्रा के लिए खास है ये फॉल्ट, क्योंकि ये उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप डायग्नोस करते हैं, गाड़ी को स्कैन करते हैं और उसमें जो है ABS का फॉल्ट है, और आप गाड़ी को जो है स्कैन करते हैं और आपको इन में से कोई फॉल्ट मिलता है। ठीक है, इनमें से कोई भी फॉल्ट कोड मिलता है, तो इसका मतलब तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हील स्पीड सेंसर ओमिक ओपन फॉलर, या फिर आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है, या फिर जो है वायरिंग में कहीं फॉल्ट है। वायरिंग में कहां से कहां फॉल्ट है, ESU जो इसका कंट्रोल ABS ECU है, यहां से लेकर यहां तक कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसकी वजह से इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, ये फॉल्ट कोड आ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लिया कि मैं कोई गाड़ी है, मतलब जैसा कि स्कॉर्पियो है,
मैंने उसको जो है डायग्नोस किया और उसमें ये कोड आया CE10-5D फ्रंट लेफ्ट का है, ये फ्रंट फ्रंट लेफ्ट साइड का है, तो फ्रंट लेफ्ट साइड यहाँ पे है FLWSS फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील स्पीड सेंसर, ठीक है, ये सेंसर है, व्हील स्पीड सेंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि इसका कोड दिखा रहा है C10-5D, ठीक है। तो अभी हमें किस तरह, सबसे पहले इसको किस तरह जो है इसके फॉल्ट को क्लियर करना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस व्हील के पास आना है, ठीक है, इस जो जिसका फॉल्ट दिखा रहा है यहाँ पे आपको आना है और इसका जो ABS का व्हील स्पीड सेंसर जो है उसको देखना है, ठीक है। और उसके बाद उसको देखना है इसका कपलर, इसका कनेक्टर कहाँ पर है, ठीक है, उसका उस कनेक्टर को जो है आपको लॉक होता है उस पर लॉक, ठीक है, लॉक को दबा पुश करके आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, दबा के उसे। जब मान लिया कि मैंने आपने इसके कपलर को निकाल लिया, ठीक है, कपलर निकालने के बाद सबसे पहला काम आपको अपना मल्टीमीटर लेना है। आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे इसे सेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 पे DC वोल्ट 20 के रेंज पे आपको इसे सेट कर लेना है, ठीक है, मल्टीमीटर को। और उसके बाद इस सेंसर व्हील स्पीड सेंसर के कपलर को आप निकालेंगे, उसके बाद उसके उसमें दो वायर होता है, दो वायर का सेंसर होता है, उसका मल्टीमीटर का एक प्रोब, ठीक है, पिन नंबर 1 में लगाएंगे या प्लस मान लिया रेड वाला प्लस में, या कोई भी लगा के वोल्टेज जो बता देता है मल्टीमीटर, ठीक है, दोनों मल्टीमीटर का दोनों प्रोब इसके कपलर में लगा देना है, ठीक है, कपलर में जो है लगा देना है, ठीक है। और लगाने के बाद इग्निशन ऑन होना चाहिए, और इग्निशन ऑन होने के बाद जब आप यहाँ पे दोनों कपलर मल्टीमीटर का दोनों वायर इन दोनों इस सेंसर के दोनों वायर से जब कनेक्ट कर देंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको अब यहाँ पे चाहिए 12 वोल्ट मल्टीमीटर में, आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की जरूरत होती है। मतलब जरूरी नहीं कि मतलब 12 वोल्ट ही है, या 11 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 12 जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, मतलब 11 पॉइंट या फिर 12 वोल्ट के बीच में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना वोल्टेज 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। मान लिया आपको 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, इग्निशन ऑन है और आप मल्टीमीटर चेक करते हैं, आपको यहाँ पे वोल्टेज बराबर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप इरेज करते हैं तो ये फॉल्ट कोड नहीं जाता है और आपका फॉल्ट दूर नहीं होता है, ठीक है, और आपको सप्लाई भी यहाँ पे मिल रही है। अगर जो आपको सप्लाई मिल रही है और ये फॉल्ट कोड जो है इरेज नहीं हो रहा है फ्रेंड, तो बस एक ही रीजन बचता है आपको, आपके पास एक ही रीजन बचता है कि आपको ये सेंसर चेंज कर देना होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल ही रहा, मिल तो रहा ही है, लेकिन जब उसके बाद फिर भी जो फॉल्ट इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस सेंसर को चेंज कर देना है, बिना सोचे समझे आपको इस सेंसर को चेंज कर देना है। आप इस सेंसर को चेंज कर देंगे, उसके बाद लगाने के बाद आप इरेज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%, ठीक है। और मान लिया कि आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको किस तरह चेक करना है, वोल्टेज किस तरह आपको चेक करना, मैं बता दूं आपको। जैसा कि आपको वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको इग्निशन को ऑन करना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसमें कि हमें जो है पॉजिटिव नहीं मिल रहा है कि निगेटिव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का एक प्रॉब जो है ऊपर वाले प्लस में लगा देना है, प्लस वाले वायर में, ठीक है, एक वायर, और दूसरा वायर जो है आपको कहीं भी बॉडी में जहां पे अर्थ हो वहां पे लगा देना है, इग्निशन ऑन होना चाहिए। अगर जो आपको उसके बाद इतना करने के बाद आपको जो है 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, अगर जो आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन जो है सही है, ये पॉजिटिव वाली लाइन ये सही है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं है, और जब ये ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब ये वायर पक्का 100% ब्रेक है, ठीक है। और अगर जो इस तरह चेक करने पे यहाँ एक वायर मल्टीमीटर का इस वायर पे और दूसरा जो है जब बॉडी पे आप लगाएंगे फिर भी आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब ये यही वायर जो है ब्रेक है। उसके बाद इस वायर को जो है आपको चेंज कर देना है यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप फॉल्ट को ढूंढ के वहां से जो है टेपिंग कर सकते हैं जहां पर इसका वायर कटा है, तो आपका फॉल्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसके वायर को चेक कर सकते हो। और दूसरा स्टेप है इसके वायर को चेक करने का फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं दूसरा स्टेप क्या है, आपको इग्निशन को ऑफ कर देना है, ठीक है, इग्निशन को ऑफ कर देना है, ठीक है, या फिर आप बैटरी का एक वायर भी निकाल देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इग्निशन को आपने ऑन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो EHU ABS ECU है, ठीक है, ABS मॉड्यूल जो है उसका कपलर जो है आपको निकाल देना है, और यहाँ पे जिस
जिसका जिस व्हील का कोड बता रहा है, या रियर लेफ्ट का बता रहा है, या रियर राइट का, या फ्रंट लेफ्ट, या फ्रंट राइट का फॉल्ट आ रहा है। मान लिया कि इसमें ये फॉल्ट आ रहा है C10 5D, ये वाला, ठीक है, फ्रंट लेफ्ट, हाँ फ्रंट लेफ्ट साइड का ही है, इसका कोड आ रहा है और यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, आपको वोल्टेज चेक करना है। तो सबसे पहले आपने इग्निशन को ऑफ करना है या फिर बैटरी वायर निकाल लेना है और इसके कपलर को निकालना है, ठीक है। ABS इश्यू जो है इसके कपलर को आपको निकाल देना है, ठीक है। इसके कपलर को निकालने के बाद और यहाँ पे सेंसर का कपलर निकाल देना है आपको, ठीक है, सेंसर के कपलर को निकाल देना है। उसके बाद मैंने जब आप इसके कपलर को निकालेंगे तो उस पे देखेंगे, उस पे जो है उसके कपलर के पिन पे जो है नंबर लिखा होगा 35 36 10 11 29 33 4 करके उसमें जो है नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो आपको नंबर देखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, ये आपको ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आप कहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब इसके कपलर को निकाल लें, मान लिया कि फ्रंट लेफ्ट साइड का जो है सेंसर काम नहीं कर रहा, हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसका कोड क्या है, उसका पिन नंबर क्या है, ESU का 35 और 36। 35 किस पे गया है, प्लस वाले पॉजिटिव पे। 36 कहाँ पे गया, सिग्नल वायर ग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी रेंज पे सेट करना है या ओम्स के रेंज पे सेट कर लेना है, या कनेक्टिविटी डायोड रेंज पे आपको सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक तार लेना है, ठीक है। मान ली इसके कपड़ा को निकाल लिया और इसे निकाल लिया और आपको देखना है 35, यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है प्लस, तो उसमें क्या आपको देखना है 35 नंबर, मतलब 35 नंबर पिन कौन है, वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। तो उस पिन में जो है मल्टीमीटर का एक वायर या कोई भी वायर, क्योंकि मल्टीमीटर का वायर इतना लंबा तो पहुंचेगा नहीं यहाँ से इसके चक्के तक, ठीक है। तो कोई भी वायर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस वोल्टेज, इस वायर पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो कोई भी वायर लेना है और इसके पिन पे कनेक्ट कर देना है और उस वायर को ले आना है आपको सेंसर के पास, ठीक है, सेंसर के पास ले आना है। उसके बाद क्या, मैं डायोड का मल्टीमीटर को जो है आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी रेंज पे सेटिंग कर लेना है, ठीक है। और इसका एक वायर जो है, जो यहाँ से वायर हम ले गए हैं उस पे लगाएंगे और दूसरा इस पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो हमें बीप का साउंड आ रहा है, ठीक है, बीप का साउंड हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये वायर सही है, और अगर जो हमें बीप का साउंड नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये वायर कहीं से ब्रेक, ठीक है। तो आप इस वायर को चेंज कर सकते हो या इसके वायर्स को छील के आप चेक कर सकते हो कहाँ से ब्रेक है, वहां से आप ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह सब वायर को चेक करना, उसका पिन आपको देख लेना, पिन नंबर देख लेना, वहां पे नंबर पड़ा रहता है। तो अगर जो मान लिया इस वायर पे जो है प्लस मिल रहा है और निगेटिव नहीं मिल रहा है, ठीक है, GND सिग्नल आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इश्यू का कपड़ा निकालना है, उसमें देखना है 36 नंबर पिन कौन है, 36 नंबर पिन कौन है, और एक प्रो मल्टीमीटर का यहाँ पे लगाना है और दूसरा यहाँ पे लगा के चेक करना है। अगर जो आपको बीप का साउंड मिलता है इसका मतलब ये वायर सही है, ठीक है, और बीप का साउंड नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये वायर कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक। तो इस तरह फ्रेंड्स सभी सेंसर को इसी तरह आपको चेक करना है, चारों सेंसर को, ठीक है। और आपका फॉल्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, अगर जो ये फॉल्ट आ रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है, तो फ्रेंड्स बस दो ही रीजन है, ठीक है, फुल स्पीड सेंसर ओमिक ओपन या फायर, या कहीं उसका वायर ओपन हो गया है, निकल गया है, कट गया है, छोड़ रहा है, या फिर सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अगर ये कोड बता रहा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, ठीक है, वोल्टेज मिल रहा है फिर भी ये फॉल्ट आ रहा है, वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है फिर भी ये फॉल्ट आ रहा है, इरेज नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही चारा है, आपको सेंसर चेंज कर देना होगा, ठीक है। आपने सेंसर चेंज कर देंगे फिर इरेज कर देंगे, इरेज होगा सारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। मान लिया इसका फॉल्ट आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिला, तो मैंने जिस तरह बताया है उस तरह आप इसके वोल्टेज को, इसके वायरिंग को चेक करो, आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जो बताने वाला था अभी, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो S6 है, ओके। तो अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो S6 और लमसम उसी का सारा सिस्टम है ये, उसके लिए खास बनाया था मैंने। तो इसका लमसम S जो इसमें मॉडल आया क्या, ये स्कॉर्पियो S10 और S6 और S8, इसका लमसम एक ही फंक्शन जो है होता है ABS का, ठीक है, लमसम सब सारा फंक्शन एक ही होता है। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास गाड़ी आई, मैंने देखा उसमें इस तरह फॉल्ट था, उसमें क्या जब इग्निशन को ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसका कंटिन्यू ABS का लाइट जो है सो कंटिन्यू शो कर रहा है, जो कि इग्निशन ऑन करते ही कुछ सेकंड के बाद वो लाइट चले जाना चाहिए,
गाड़ी हम स्टार्ट करें या ना करें, या फिर स्टार्ट करने में तो आना ही नहीं चाहिए एबीएस का, लेकिन उसमें क्या गाड़ी स्टार्ट करेंगे चलाएंगे कुछ भी करेंगे लेकिन उसका कंटिन्यू लाइट जो है एबीएस का लाइट जो है शो कर रहा है। तो अभी मैंने उसमें क्या किया, सीधी सी बात मैंने क्या, उसमें दो कोड दिखा रहा था C10, ठीक है, C10 5D एक कोड आ रहा था, दूसरा आ रहा था C10 5F, दूसरा पावर सप्लाई का भी आया था, लेकिन जब मैंने इरेज किया, ठीक है, इरेज किया तो वो सारे चले गए लेकिन ये नहीं गया, C10 5D C10 5F ये नहीं गया। और ये किस लिए नहीं गया इरेज करने पे, क्योंकि इसका फॉल्ट था, जब कहीं वायर ब्रेक होगा या सेंसर खराब होगा इरेज करने पे नहीं जाएगा। ओके, कहीं तार वायर वगैरह हिल जाता है, फ्यूज निकालने पे इरेज जो कोड आ जाता है, ठीक है, तो वो इरेज करने पे चला जाता है, लेकिन जब यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट है, वायर ब्रेक है या सेंसर खराब है तो इरेज करने पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉल्ट स्कैन किया और यहाँ पे ये कोड आ रहा था और एक ये आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इरेज किया, जो और बाकी के कोड थे वो चले गए लेकिन ये दोनों कोड नहीं गया। मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले यहाँ पे आया, ठीक है, लेफ्ट साइड में आया, वहां पे वोल्टेज चेक किया, मैंने वोल्टेज चेक किया, मुझे वोल्टेज मिल रहा था जो कि आप वीडियो में देखने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो उसमें आप देखने वाले हो, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था। फिर मैंने क्या सोचा, हो सकता है इसका कपलर का वायर जो है थोड़ा लूज हो, जो कि लूज नहीं होता, थोड़ा कार्बन वार्बन आ गया हो, फिर मैंने लगा दिया, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आ गया, इसका फॉल्ट दिखा रहा था C10 5F रियर लेफ्ट पिछले चक्के का बाएं साइड का दिखा रहा था, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा इसका वायर जो है, जो इसका कपलर होता है सेंसर का, वहीं से उसका वायर जो है ब्रेक था, टूट चुका था। फिर मैंने क्या किया, अच्छे से जोड़ा और मैंने दूसरा कपलर डाला और फिर मैं आया अपने स्कैनर पे आया अपने, और जो है इरेज किया तो इसका वायर टूटा हुआ था C10 5F, ये इरेज हो गया, बचा ये कोड जो कि वोल्टेज भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे वोल्टेज भी मिल रहा था लेकिन फिर भी इरेज करने पे ये जो इसका वायर टूटा था, मैंने वायर चेंज किया, इसका इसे फॉल्ट चला गया लेकिन अभी भी ये फॉल्ट नहीं गया। क्यों नहीं गया फ्रेंड्स, इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे वहां पे वोल्टेज भी मिल रहा था, मैंने अभी तक सिर्फ इसका वायरिंग चेक किया था, वहां पे वोल्टेज मुझे मिल रहा था लेकिन फिर भी नहीं गया। गया इसलिए नहीं क्योंकि इसका सेंसर खराब था, ठीक है, सेंसर खराब था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका वायर ब्रेक था, मैंने इसका वायर ज्वाइन किया, ये कोड इरेज हो गया, ये कोड अभी भी नहीं जा रहा था और मुझे यहाँ पे वोल्टेज भी मिल रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, इस सेंसर को ही चेंज कर दिया और मेरा फॉल्ट क्लियर हो गया, जो कि आगे वीडियो में आप देखने वाले हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए मैं इसी में नहीं उसको दिखाऊंगा, दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि काफी लंबा हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इस वीडियो के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो कि ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया और वो प्रैक्टिकल में होगा, तो आप इस वीडियो को देखो और उस वीडियो को जब आपको आप देखोगे तो आपको सारा आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप दोनों वीडियो देख लोगे। ओके, सब्सक्राइब करें सोना मोटर्स ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो।